हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जैन स्टडी जोन कुलदीप सिंह में। आज के वीडियो में हम लोग यार इस रोड मैप को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग एक बेस्ट स्कोर कर सकें अपनी टेंथ के एंड में। अगर आप लोग की नाइन्थ बहुत अच्छी नहीं गई है ना, जितना आप चाह रहे थे उतना नहीं फोड़ पाए या उस तरीके से सब कुछ नहीं हुआ, तो भी बिल्कुल दिक्कत मत लो। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देख लिया तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यार मुझे किस किस तरीके से चलना है और हाँ मैं कर पाऊंगा। हर तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हर एक अच्छा तरीका पता चल जाने वाला है। तो वीडियो से चुपके रहना और वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, आप कुछ अच्छा कॉन्टेंट खो ना दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखो यार, जब भी हम लोग चालू करते हैं तैयारी किसी भी चीज़ की, तो हमें सबसे पहले चाहिए होती है एक बुक। तो यार बुक में बच्चे क्या करते हैं टेंथ क्लास के अंदर कि ले लेंगे एनसीईआरटी, जो कि सभी लेंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी लेंगे प्लस, अब एनसीईआरटी के बाद एक रिफ्रेशर ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। तो जब आप लोग रिफ्रेशर ले लेते हैं, अब बच्चे करेंगे एक रिफ्रेशर नहीं लेंगे, अब ये लेंगे तीन चार रिफ्रेशर, ठीक है। मैंने ये ले रखी है, मेरे दोस्त ने वो ले रखी है, उसके दोस्त ने वो ले रखी है, मैं सारी तरह की ये ले लेता हूँ और इसमें कई सारी छोटी छोटी किताबें ले लेते हैं। मतलब 10 तरह की किताबें अपने पास इकट्ठी कर लेंगे एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, साइंस की होगी मैथ की होगी, हमने 10-10 किताबें ले ली। एंड ऑफ द डे होता क्या है, हम लोग पढ़ते उनमें से किसी को भी पूरा नहीं है सही तरीके से, तो हम फंस जाते हैं। हम क्या करते हैं, भाई मैंने बुक वन को 30% पढ़ लिया, बुक टू को 30% पढ़ लिया, और ऐसे ऐसे हम पढ़ते हैं, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। हम एक भी बुक को बहुत बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ते। तो अब हमेशा यही करना है कि सबसे पहले तो एनसीईआरटी ले लें, एनसीईआरटी को समझें और इजी समझने के लिए एक रिफ्रेशर लें जिसमें थोड़ा सा इलेबरेट करके बता रखा हो और उसी पे रुक जाएं। अब चेंज करना नहीं है बार बार, ठीक है। तो चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, यहाँ काम नहीं करता, ठीक है। हर महीने एक नई बुक बिल्कुल नहीं लेनी, बहुत बड़ी गलती होगी। चलिए हमने बुक ले ली, ठीक है। अब आप लोग रिवीजन के टाइम तो बुक उठाएंगे नहीं, आपको क्या चाहिए, नोट्स। तो नोट्स बनाने हैं। नोट्स कौन से लूँ भैया, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं तो नोट्स भी डाल रखे हैं, आपका कोचिंग वाला भी आपको नोट्स देते हैं, तो हम कौन से नोट्स से पढ़ें। अभी बिल्कुल बिगनिंग फेज में हो तो अभी क्या करना है, अपने नोट्स बनाएं, बेहतरीन नोट्स बनाएं। मैं आपको बता दूंगा कैसे नोट्स बनाने हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि मैंने आपके लिए नोट्स बने बनाए डाल दिए, आप उन्हें ले लें, ये ले लें, वो ले लें, बिल्कुल भी नहीं लेने, ठीक है ना। मैं डालने वाला हूँ, क्यों, मैं चाहता हूँ आप लोग स्पून फीडिंग से दूर रहें और खुद करना सीखें। और जब तक हम लोग खुद नहीं करना सीखते ना यार, हम लोग समझ नहीं पाते चीज़ों को। तो आप लोग नोट्स बनाएं, किस तरीके से बनाने हैं। मान लीजिए किसी टॉपिक को मैंने पढ़ा, उस टॉपिक को लिख लें बड़ा बड़ा, ठीक है। अब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नीचे लिखें, कोई उससे रिलेटेड सवाल करा उस क्वेश्चन को लिख लें, बस इस तरीके से नोट्स होने चाहिए। हाँ एक चीज़ और, आप नोट्स में प्रेफर करें कि मल्टी कलर पेन यूज़ करें, मतलब कि हम लोग हो सके तो दो या तीन कलर के पेन यूज़ करें। एक सिंपल कलर के पेन से मत बना नोट्स, क्योंकि जब हम दो तीन कलर के पेन से बनाते हैं ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है कि भाई रेड कलर है, रेड कलर मैंने इसलिए यूज़ कर रखा है, जो चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें मैंने रेड से लिख रखा है, ठीक है, और मैंने ब्लैक से लिख रखा है और ब्लू से लिख रखा है। तो बस ऐसा होना चाहिए हिसाब किताब। आपको उम्मीद करता हूँ कि बातें क्लियर हो रही होंगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग नोट्स बनाएंगे ना, तो एक चीज़ और करते चलना जो कि बहुत ज़रूरी है। टीचर ने बताया था कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है, तो या तो उस पर इम्पोर्टेंट लिख लिया, और कोई ऐसा पॉइंट है जो बहुत छोटा है लेकिन याद रहना चाहिए, तो ये नहीं कि मेरा स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं क्या करूँगा, साइड में एक बादल टाइप का बनाऊँगा, उसके अंदर लिख लूँगा, और इसमें जो मैं लिखूँगा ना, मेरे को इंग्लिश ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती है इंग्लिश में लिखूँ, हिंदी आती है हिंदी में, गुजराती आती है गुजराती में, पंजाबी आती है पंजाबी में, जो भी आपको लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह समझ आती है उस लैंग्वेज में लिख लें, ठीक है। इससे आपके नोट्स जो होंगे ना बहुत बढ़िया बनेंगे। बात समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। अब टाइम कितना पढ़ना है हमें, पूरी साल हम टेंथ में कितना पढ़ें। देखो यार, स्टार्ट करो 3 घंटे से, आगे आप बढ़ाते चले जाना, ठीक है, और ना बढ़ाओगे तो भी बढ़ जाएंगे आप, 3 बस कंटिन्यू पढ़ते चले जाएं। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे वो 3 से थोड़ा सा कम पढ़ सकते हैं, 3 से थोड़ा कम मतलब 1 घंटा नहीं होता, 2 घंटे नहीं होते, 2.5 घंटे के आसपास आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हो सके तो 3 और 3 से ज़्यादा ही पढ़ें,
ठीक है। और आर्ट्स में स्टडी में क्यों बोल रहा हूँ, कोई लोग कहते हैं कि टॉपिक्स में स्टडी करनी चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ टॉपिक्स में करनी चाहिए, लेकिन दिमाग में ये भी होना चाहिए बच्चे की यार इतने आर्ट्स भी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो उस टाइम को आप लिमिट को दिमाग में रखें। और एक चीज़ जरूर करना है, अगर आप प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा चाहते हैं कि भाई दूसरा 20 मिनट पढ़ के इतना पा रहा है लेकिन मैं उसी 20 मिनट में उससे ज़्यादा ले पाऊँ, तो एक चीज़ करना कि अगर हम लोग मान लीजिए 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक पढ़ते हैं, तो रेगुलर मैं इस टाइम पर पढ़ूंगा। जब आप इस टाइम पर पढ़ेंगे ना, दिमाग को भी पता चलेगा अच्छे 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 इस टाइम पर इसका ब्रेन इस काम के लिए लगा रहता है, मेरे को एनर्जी इस काम में लगानी है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी आप खुद देखेंगे बढ़ गई है। तो जिस टाइम पे जो काम कर रहे हैं उस टाइम पे वो काम करने से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। बदल बदल के पढ़ने से समझ जब भी आएगा, मैं ये नहीं कह रहा आपको ऑल टाइम समझ नहीं आएगा, समझ आएगा, लेकिन अगर आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा फायदा करता है। और रेगुलर पढ़ना यार, देखो भले ही आप हथौड़ा धीरे मार रहे हो लेकिन रोज़ मारते रहो, रोज़ मारते रहो, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। एक बंदे से जो एक दिन आया उसने 10-15 बार जोर जोर से मार दिया, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मारे जा रहा है। तो आपको बस मारते रहना है, ठीक है। कभी उम्मीद नहीं छोड़नी, भले ही दिक्कतें आएंगी यार, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ 10th क्लास में आप कई बार आपको लगेगा यार पढ़ रहा हूँ नहीं नंबर आ रहे, नहीं समझ आ रहा, लॉकडाउन है घर पर नहीं पढ़ा जा रहा, सारी परिस्थितियों को अगर आप झेल के पढ़ लेते हो यार तो आप आगे भी और सब सिचुएशंस को झेल पाएंगे, ठीक है। ये पढ़ाई ना केवल आपको बोर्ड्स में नंबर दिलाएगी, इवन आपके फ्यूचर में भी काम आएगी। किस तरीके से आएगी ये चीज़ आप आगे समझ पाएंगे, आगे फील कर पाएंगे कि यार ये मेहनत कैसे काम आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिवीजन की। तो मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जो बच्चा रिवीजन नहीं करता वो बच्चा हर महीने दोबारा से सिलेबस चालू करता है। क्या मतलब भैया? भाई मतलब ये है कि आपकी मेमोरी है ना वो ऐसी है कि आप आगे वाला बढ़ते हैं और पीछे वाला हटता चला जाता है। तो अगर हम पीछे वाले को याद करते रहेंगे ना बार 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 बार, तभी वो चीज़ हमारे दिमाग में स्टोर होती है। चीज़ें याद करनी है, रटनी नहीं है, जिसे आप याद करते हो उसे रटते नहीं हो। ऐसे ही चीज़ों को याद करो, ठीक है, रिवाइज करो, बार बार पढ़ो ताकि आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, भैया जब टीचर ने पढ़ाया था जब बहुत अच्छी तरह आता था, अब नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब टीचर ने पढ़ाया था जब आपके दिमाग में ताज़ा ताज़ा था, लेकिन आपने उसे रिवाइज तो करा नहीं, उस पर धूल चढ़ती चली गई और इतनी चढ़ गई है कि अब दिख भी नहीं रहा। तो रिवाइज ज़रूर करें। रिवाइज कैसे करें कि जिस भी टाइम में आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैं इस टाइम में पढ़ रहा हूँ, तो मैं इसमें 1/2 hr रोज़ रिवाइज करूँगा या 1 hr रोज़ रिवाइज करूँगा, मैटर करता है मैं कितना मुझे रिवाइज करना है और क्या क्या रिवाइज करना है। तो मैं इतना कम से कम रिवाइज करूँगा ही करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं रिवीजन ज़रूर करूँगा, भले ही मैं उस टॉपिक को लेकर कितना ही कॉन्फिडेंस हो कि मुझे आता है नहीं आता, लेकिन उसका रिवीजन जरूर करूँगा, एक बार पलट के जरूर देख लूँगा कि इसमें है क्या, इसमें था क्या। बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, बात आती है खाने की। खाने की बात भैया, 10th के नंबरों से खाने का क्या लेना देना? खाने का सीधा लेना देना है यार। जब हम लोग ठूस ठूस के बहुत सारा खा लेते हैं, दिमाग की सारी ऑक्सीजन पेट में चली जाती है और दिमाग नहीं चलता। हम लोग क्या कहते हैं, भैया नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, सोने का मन कर रहा है, पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा, दिमाग भटक रहा है। क्यों? क्योंकि दिमाग में ऑक्सीजन तो है ही नहीं, फ्यूल ही नहीं है, गाड़ी चलेगी कैसे? तो क्या भूखे रहे भैया हैं, व्रत रख लेंगे रात को? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी कैपेसिटी अगर 100% खाने की है ना तो 80 खाओ। आप क्या करते हैं, घर में तो शाही पनीर बना है, मैं 100% खाने की कैपेसिटी में खाऊंगा 150। दिक्कत कर जाएगा यार, दिक्कत कर जाएगा, सही बता रहा हूँ। तो प्लीज़ अवॉइड करना ठूस ठूस के खाने को, इतना खाना है जितने से काम चल सके। आज ऐसा खाना खाना है जिससे आपको न्यूट्रिशंस मिले, है ना, तो ऐसा खाना खाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी। ये 10th क्लास आप लोगों को ज़िंदगी भर याद रहेगी, इसके स्ट्रगल आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे, काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। मुझे सब कुछ हटा के केवल अपने गोल पे फोकस करना है। मेरे को NTSC का एग्ज़ाम देना है, मैंने बना रखी वीडियो, लिंक मिल जाएगा, देख लो उसके बारे में क्या होता है NTSC, अगर जिन बच्चों को पता भी नहीं है तो सब कुछ पता चल जाएगा। और बच्चों, इस क्लास में अगर आपने फोड़ दिया तो आगे आप अपनी मनचाही स्ट्रीम ले पाएंगे। आपको आसपास वाले खूब डरा रहे होंगे, भाई बोर्ड है इस साल तो पढ़ लियो, ये वो कर देते हैं, वो कर देते हैं, इसका नंबर इसमें यूज़ होता है, इसके नंबर इसमें यूज़ होता है। सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन जब पढ़ने बैठो ना, सारी टेंशन को उखाड़ के फेंक दो बाहर कि मेरे से बड़ा टॉपर कोई नहीं है। इस बात को दिमाग में रखें और फिर पढ़ें।
और बढ़िया तरीके से पूरा पोटेंशियल लगा दें कि यार मैं इस काम में अपना 100% डाल दूंगा, अगर मैंने इसमें 100% नहीं डाला तो मैं और कामों में भी नहीं डाल पाऊंगा। तो अपना 100% देने की आदत डाल लो। जब आप अपना 100% देने लग जाते हो यार, तो बाकी सब काम अपने आप होता चला जाता है। तो नंबरों की टेंशन हटा के बस अपना 100% डालो, उस 100% को थोड़ा बढ़ाते चले जाओ डे बाई डे। ठीक है यार, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब उम्मीद है आपने कर ही दिया होगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।